एमएस वर्ड, जैसे विजुअल बेसिक पे हम जाते हैं और इंसर्ट करते हैं मॉड्यूल्स। अब मैं चाहता हूं एक्सेल के थ्रू एमएस वर्ड में हम कुछ करें, तो वो कैसे रिकॉर्डिंग के करेंगे? परमिशन दे दिया। जी जरूर। तो यहाँ आते हैं मॉड्यूल्स में, यहाँ अलाउ रिकॉर्डिंग, अलाउ रिकॉर्ड कर दिया मैंने आपका। तो यहाँ पे हम आते हैं, सबसे पहले लिखते हैं कि डिम डब्ल्यू एज ए न्यू वर्ड। अब वर्ड नहीं आ रहा है, तो इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि हमने टूल्स के अंदर, जो मैं टूल्स है उसके रेफरेंस के अंदर, हमने एमएस ऑफिस एमएस वर्ड का, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का लाइब्रेरी हमने कॉल नहीं किया। एमएस वर्ड दिखा, इसको हमने यहां से ओके किया। अब यहां पे दे सकते हैं कि न्यू वर्ड आ गया डॉट एप्लीकेशन, ठीक है। अब मैं फिलहाल कुछ नहीं कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं कि एमएस जी बॉक्स के अंदर डब्ल्यू डॉट वर्जन, क्योंकि जो वर्जन है वो यहां करना चाहते हैं, साथ में वापस में डब्ल्यू डॉट क्विट करना चाहता हूं, मन करना चाहता। जैसे इसको रन करूंगा तो एप्लीकेशन को एक समय खोलेगा और उसका जो वर्जन है ना यहाँ पे शो करेगा कि उसका वर्जन 16.60 है, ठीक है। इसको हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं जहां हमें टूल्स में इंसर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो है सब आर आर अंडरस्कोर 1 ब्रैकेट ओपन क्लोज। हम यहां लिखेंगे टिम डब्ल्यू एज ए ऑब्जेक्ट, फिर यहां देते हैं सेट सेट डब्ल्यू इक्वल टू क्रिएट ऑब्जेक्ट और इसके अंदर हम डालते हैं वर्ड डॉट एप्लीकेशन, वर्ड डॉट एप्लीकेशन और यहां पे एम एस जी बॉक्स के अंदर में हम सेम डब्ल्यू डॉट वर्जन कर देते हैं, जो डब्ल्यू डॉट वर्जन है आ जाएगा। तो वर्जन चेक कर रहे हैं, लेकिन वर्जन चेक करने से क्या फायदा? तो मैं समझाने की कोशिश कर रहा था आपको कि देखिए ये जो है, आपको अगर इस तरह के यूज करते हैं तो आपको यहां जाके डिफरेंस में जाके माइक्रोसॉफ्ट ऑब्जेक्ट लाइब्रेरी को ओपन करना, और इसको करते हैं तो ऑब्जेक्ट लाइब्रेरी को ओपन करने की जरूरत नहीं है। लेकिन कुछ दिखा नहीं, दिखा इसलिए नहीं क्योंकि हमने इसको विजुअल नहीं किया। जैसे हम यहां पे डालते कि डब्ल्यू डॉट विजुअल इक्वल टू ट्रू, तब जाके आपका एमएस वर्ड यहां पे खुल गया। ओके देखिए एमएस वर्ड का आ गया, पर कोई फाइल वगैरह नहीं हुआ क्योंकि हमने जस्ट एप्लीकेशन को खोला है, कोई फाइल को नहीं खोला है। लेकिन अगर हम बात करें कंट्रोल करने की, एक्सेल से वर्ड को कैसे कंट्रोल करेंगे, चलिए इसी चीज में आपके साथ डिस्कस करते हैं। तो हमने क्रिएट वर्ड एप्लीकेशन को हमने यहां पे कर लिया, क्रिएट कर लिया, और हमने इसको यहां पे सेट भी, यहां हम सेट कर चुके हैं वर्ड डॉट एप्लीकेशन। चलिए अब यहां पे हम कोड मैसेज हटा देता हूं, यहां पे लिखते हैं डब्ल्यू विथ डब्ल्यू डॉट डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट्स डॉट एड विथ डब्ल्यू डॉट डॉक्यूमेंट्स डॉट एड, यहां पर आ इसी के अंदर लिखते वापस देते हैं विथ डॉट सेलेक्शन,
ठीक है। अब यहां पे मैं कुछ लिखना चाहता हूं, लेकिन लिखने से पहले फॉन्ट वगैरह सही कर लेता हूं, तो फिर मैं लिख रहा हूं, ठीक है ना। तो यहां पे लिखेंगे टाइप डॉट टाइप टेक्स्ट और स्पेस टेक्स्ट इक्वल टू, मैंने यहां पे लिख दिया आईपीटी एक्सेल स्टोर। यहां पे हम एंड विथ कर रहे हैं और फिर एक बार और एंड विथ कर रहे हैं, दो बीच लगा रहे इसलिए इसलिए एंड विथ दो बार। रन करके देखते हैं। और अच्छा इस बीच को मैं हटा देता हूँ, इसको हटा। सिलेक्शन मोड में था, ओ सॉरी ये यहां पे आया, अब सही है। अब यहां देख आगे आईपी टेक्स्ट स्कोर, तो यहां हमें सिलेक्शंस के आगे करना है, तो जो विथ कमांड हमें लगाना है वो सिलेक्शंस पे लगा, तो विथ सिलेक्शंस और फिर यहां इसके नीचे आना है टॉप, फिर यहां पे देते एंड विथ। अब प्रॉब्लम ये है कि अभी जो मैंने किया है उसमें उसकी फॉन्ट की जो साइज है वो थोड़ा सा बढ़ाना है, तो डॉट हमने यहां पे लिखा कि फॉन्ट डॉट साइज इक्वल टू 14, 14 की जगह हाँ 14 16 कर देता हूं। तो अब अगर इस फाइल को खोलते हैं तो यहां देखेंगे, इस चीज को बंद कर देते हैं, तो इसकी साइज 16 है ना, थोड़ा तो सा और बढ़ाता हूँ साइज 16 जगह पे, मैं यहां पे 30 कर, और साथ में इसकी जो पैराग्राफ अलाइनमेंट है ना वो भी बढ़ा देता हूँ, उसको सेंटर कर दूँ और साथ में बोल्ड भी कर दे, तो डॉट फॉर्म डॉट बोल्ड इक्वल टू ट्रू, और साथ में जो पैराग्राफ का अलाइनमेंट है वो भी मैं बढ़ा दू, पैराग्राफ फॉर्मेट अलाइनमेंट यहां पे डॉट होगा और यहां पे इक्वल टू वन, ये सेंट्रल हो जाएगा। अब मैं इसको अगर रन करता हूं तो आप देखेंगे अच्छा यहां पे स्पेलिंग मिस्टेक है, यहां पे तो देखिए सेंट्रल भी हो गया बोल्ड भी होगा, इसकी साइज टोटल 30 हो गई, तो ये हमने टाइप कर लिया। अब मुझे इसमें चाहिए कुछ गैप, इसमें डॉट पैराग्राफ एंटर मारने के लिए डॉट पैराग्राफ, तो दो एंटर मार के हमने पैराग्राफ दिया। अब मैं इसकी फॉन्ट साइज को नॉर्मल करता हूं, क्या करता हूं फॉन्ट साइज नॉर्मल होना चाहिए, इसे फॉन्ट साइज 12 कर दिया। अब इसकी जो फॉर्मेट अलाइनमेंट है उसको 0 कर देता हूं, जो ये अलाइनमेंट हमने 1 यहां किया हुआ है ना सेंट्रल में, ये हम यहां पे कर देते हैं 0।
और जो बोल्ड है उसको कर देता हूं फॉल्स, ट्रू की जगह पे फॉल्स। अब यहां पे हम अपनी पैराग्राफ लिख रहे हो, क्या लिख रहे हैं अपनी पैराग्राफ। तो यहां पे हमने टाइप टेक्स्ट इन ऑर्डर कमा दिया। अब मैं आईपी टेक्स टूल के बारे में कुछ ऐसा लिखना चाहता हूं, यहां इनवर्टेड कॉमा में मैंने लिख दिया। चलिए अब इसको एक बार रन करते हैं। यहां तो देखिए कि ये आईबी टेस्ट टूल आया, इसकी अलाइनमेंट देखिए आपका 0 है, ठीक है, इसकी साइज भी कम हो गई। तो इसी तरह से हम अपनी जो पैराग्राफ वगैरह है, जो चीजें हैं, हम इसी तरह से अपनी चेंज करते हैं। तो इसी तरह से वर्ड में अपनी अलाइनमेंट बोल्ड कर सकते हैं, टाइप टेक्स्ट कर सकते हैं, इसकी फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं, एंटर मारने के लिए पैराग्राफ दे सकते हैं, जो भी मैसेज टाइप करना है वो कर सकते हैं आप, फॉर्मेट जो भी फॉर्मेट देना है फॉर्मेट कर सकते हैं, एक्सेल से डेटा लेना है तो एक्सेल से भी डेटा ले सकते हैं। और लास्ट में जब एंड विथ हो जाएगा तो यहां यहां एंड विथ आ गया। अब यहां पे मुझे देना होगा कि एक्टिव डॉक्यूमेंट डॉट सेव एज, और यहां हम अपना फाइल नेम विथ पाथ देते हैं कि डी ड्राइव के अंदर 2022 के अंदर डॉक वन डॉट डी ओ सी एक्स, ये होता है ना सेंसर, ये डाल दें। उसके बाद यहां हम क्विट करना चाहते हैं, हम क्विट कर देंगे कि डब्लू डॉट क्विट। अब इस पर एक बार रन करते हैं, हो गया। तो यहां पे देखिए ये है पहले से था, तो कौन से करते हैं, ये भी पहले से था। अब आप जाके ड्राइव में देखिए कहा डी ड्राइव के 2022 वाले फोल्डर, ये डॉक वन डॉट आ गया डी ओ सी एक्स, ये ठीक है। तो एमएस जैसे कोई टेबल बनाना है, कोई कोई पहले से बनी हुई चीज है उसके ऊपर कुछ डालना है, तो वो सारी चीजें आप इसके अंदर कर सकते हैं, ठीक है। बाकी डिटेल्स में पढ़ने के लिए पेज नंबर 691 बुक का जो है उसको पढ़िए, उसमें आप